हेलो, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सीडीपी के वीडियो को लेकर आए हैं एमसीक्यूज को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगला प्रश्न 151 नंबर का कि व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। अभिप्रेरणा, संवेदना, अभिसरण या प्रतिगमन। तो इसका जो है 151 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको अभिप्रेरणा हम लोग बोलते हैं, मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि मतलब किसी भी व्यक्ति में वह शक्ति होती है जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है। अगला प्रश्न है कि ऐसी मानसिक प्रक्रिया इसके जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में समर्थ हो जाता है कहलाता है। समन, दमन, विस्मरण, समंजन। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विस्मरण जो है होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। अभ्यसन, ध्यान लगाना, प्रतिभिज्ञा, प्रस्मरण। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर की ध्यान लगाना। जब कहीं विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए जाने, मतलब कहीं पे हम लोग जब एकाग्र मन से कोई चीज़ मन लगाते हैं तो उसको हम लोग ध्यान लगाना बोलते हैं। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो कहलाता है। प्रसरण, माध्यिका, बहुलक या माध्य। तो ये जो है हमारा माध्य होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 15-17 प्रश्न पूछा गया है। अगला, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 4, 3, 5, 6। तो बाल विकास की जो अवस्थाएँ होती हैं उनका विभाजन जो है ये 3 अवस्थाओं में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है कि बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, मतलब बालकों को जो पूर्वजों से प्राप्त होता है गुण उसको अनुवांशिकता, परिपक्वता, वातावरण या आत्मसाधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता जो है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कि बुद्ध के समूह कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हिलमाई, बेबर, थर्स्टन या थॉम्सन। तो ये जो है थर्स्टन ने किया समूह कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है कहलाता है। व्यक्तित्व, रुचि, प्रेरणा, कल्पना। तो इसमें जो है व्यक्तित्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यवहार होता है उसके समस्त विशेषताओं को जो व्यक्त करता है उसे हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया है? सी कोर्डियम बेकमैन ने, ऑप्शन बी थर्स्टन, फिर हरमन रोडसा, मार्गनियम मोरे ने। तो TAT परीक्षण जो है ये मार्गनियम मोरे ने दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ मरे है, कहीं कहीं मोरे होता है दिया होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? 1 से 5, 3 से 11, 11 से 13 या 11 से 15 वर्ष। तो इसमें 13 से जो है 11 वर्ष के बच्चों के मापन के लिए होता है ये CAT परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर संवेग का प्रकार नहीं है, क्रोध, भय, ध्यान, प्रेम। तो इसमें जो संवेग का प्रकार नहीं है इसमें सी हो जाएगा हमारा, ध्यान जो है ये संवेग का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है 162 नंबर का, ये प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 80 से 90, 110 से 112, 140 से अधिक या 100 से 120। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये वीडियो पूरा देख के अच्छे से जो इसको याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न हमारा है कि बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, या फिर पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्थितियां हैं? 2, 4, 6, 3। तो पियाजे ने जो है इसमें 4 स्थितियां दी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, मध्यमान, मध्यांक, प्रसार या बहुलक? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मापक इसमें नहीं है हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रसार जो है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, विकास, परिवर्तन, संस्कृत, तनाव? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि जो तनाव है ये जो है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, पोषण, लिंग, संस्कृत, तनाव? अब इसमें जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक नहीं है ये तनाव हमारा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 167 नंबर का, कि बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है, किशोरा, शैशवा, बाल्या या प्रौढ़ावस्था? तो इसमें जो स्वतंत्रता की आकांक्षा जो होती है इसमें किशोरावस्था में हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 168 नंबर का, कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है या कथन है, रास का, वुडवर्ड का, रायबर्न का या स्किनर का? तो ये जो है कथन जो है ये वुडवर्ड का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, तो ये वुडवर्ड ने कहा है। अगला है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है, कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति? तो इसमें कल्पना हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये भी प्रश्न 18 में पूछा गया है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है, तर्क, चिंतन, कल्पना या स्मृति? तो किसी भी समस्या का जो समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से जो समायोजित किया जाता है वो जो है तर्क के अंतर्गत आता हमारा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है, शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य या उपयुक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तीनों आता है, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास। अगला प्रश्न है कि सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाला वक्र कहलाता है, अधिगम वक्र, पठार वक्र, फिर संप्राप्ति वक्र या बुद्धिलब्धि वक्र? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका यह पठार चक्र है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है, क्या थार्नडाइक के सीखने के किस सिद्धांत, किस नियम के अंतर्गत आता है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है तत्परता नियम के अंतर्गत आता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा गया है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या अंतर्दृष्ट सूझ का सिद्धांत? इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अंतर्दृष्टि या सूझ का जो सिद्धांत है ये जो है प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सिखाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है, अर्जित, जागृत, निर्देशित या व्यवहार के परिचालित प्रेरक? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसको हम लोग जो है अर्जित प्रेरक बोलते हैं, कि वह प्रेरक जो हम लोग जो है व्यक्ति अपने प्रयास से जो सीखता है उसको हम लोग अर्जित प्रेरक कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अधिगम
अधिगम धारण पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं। ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत, स्मृति के अंतर्गत। तो 176 का इसका राइट आंसर हमारा होगा स्मृति के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि वह प्राप्तांक जो किसी पदार्थ को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक या उपयुक्त सभी। तो इसमें माध्यिका होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कि जो जो है किसी पदार्थ को दो बराबर भागों में बांटता है उसको माध्यिका कहते हैं। अगला हमारा है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे सौ सूत्र से किसका मापन किया जाता है, अर्जित ज्ञान, बुद्धि लब्धि, आयु या लंबाई। तो इससे जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है, सामूहिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता या वैयक्तिक भिन्नता। तो इसमें जो है वैयक्तिक भिन्नता होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये भी प्रश्न 18 में पूछा गया, इसके पहले वाला भी। तो सारे सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यवसायिक विकास में या समायोजन में। अब इसमें जो शारीरिक क्षमता की कमी होती है इसमें बौद्धिक विकास में होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कि संज्ञानात्मक क्षमता की जो बौद्धिक विकास में कमी होती है व्यक्ति में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, शारीरिक विकास का सिद्धांत, भावात्मक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या ज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये जो है वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होगा। अगला प्रश्न है कि मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं, 3, 5, 7 या 14। तो मैकडूगल ने जो है ये 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, शैशवावस्था, भ्रूणावस्था, बाल्यावस्था या नवजात अवस्था। तो ये जो है शैशवावस्था कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है। हमारा अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का है, या कथन किसने कहा है, स्किनर, जॉन डीवी, वुडवर्थ, अरस्तू। तो ये कथन जो है वुडवर्थ ने कहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उपयुक्त सभी। तो विकास को जो प्रभावित करने वाला कारक है इनमें से सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टोली की याग किसे कहते हैं, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, युवावस्था को। तो टोली की जो आयु होती है ये होती है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये टीचर्स के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और डीएलएड के लिए भी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, या कथन किसका है, फ्रायड का, क्रो एंड क्रो का, हरलाक का, थर्नडाइक का। तो ये कथन जो है हरलाक का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, या गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, या फिर पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए स्नेह और सहानुभूत व्यवहार, सदाचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है
इसमें बाल के मानसिक विकास के लिए ये सभी जो है शिक्षक को करना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, तर्क, चिंतन या कल्पना? तो सृजनात्मकता के रूप में इसमें जो है ये हो जाएगा चिंतन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर ध्यान देना, कहानी सुनाना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर या उपयुक्त सभी? तो इसमें हम लोग को जो है बाल विकास शिक्षा के लिए इसमें सभी पर ध्यान देना होगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले वाले प्रश्न जो है अगले वीडियो में सारे के सारे हैं, यदि आप लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, उसको प्लेलिस्ट में होगा। अगला प्रश्न है कि थार्नडाइक ने दिया है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या उपयुक्त सभी? तो थार्नडाइक ने जो है ये तीनों नियम दिए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर इसका होगा। अगला है कि प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, विकल्प आ व बा दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो प्रेरणा जो होती है ये सकारात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। प्रेरणा हमेशा सकारात्मक होती है। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो अधिगम का जो स्थानांतरण का सिद्धांत है ये उपयुक्त सभी, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत एवं सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये अधिगम स्थानांतरण के तीनों सिद्धांत, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है? अर्जित प्रेरक, जागृत के प्रेरक, निर्देशित प्रेरक या व्यवहार को परिचालित प्रेरक? तो ये जो है अर्जित प्रेरक हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग या कथन है? वुडवर्थ का, मैकडूगल का, स्किनर का, रॉस का? तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का जो सीधा उपयोग है ये स्किनर का है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग ये स्किनर का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि आंकड़ों के प्रकार हैं अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत व वर्गीकृत उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आंकड़ों के जो प्रकार हैं ये दोनों है, अवर्गीकृत और वर्गीकृत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित वायु वर्ग है? 0 से 18, 20 से 30, 25 से 35 या 35 से ऊपर? तो बाल विकास के जो अंतर्गत आता है ये 0 से 18, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, मतलब किस अवस्था में पूरा हो जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या सभी अवस्थाओं में? तो ये जो है बुद्धि का जो विकास होता है ये किशोरावस्था में पूरा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 100, 205, 270 या 350? तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है 270 होती है, कहीं कहीं 300 भी किसी किसी बुक में दिया रहता है, लेकिन ये 270 होती है। अगला प्रश्न, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? प्रेरणा, ध्यान, रुचि, स्मृति? तो सीखने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है रुचि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जब किसी बच्चे की किसी चीज में रुचि होती है तो बहुत जल्दी उसको सीख जाता है। अगला प्रश्न है कि सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, दूसरों के साथ काम करना? तो इसमें जो है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है सीखने का सबसे सही परिभाषा यही है। अगला प्रश्न है कि प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कोहलर ने, योकम ने, थार्नडाइक ने, हल ने? तो सीखने का
भूल एवं प्रयास का सिद्धांत, ये जो है थार्नडाइक ने दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से या चारित्रिक विकास से। तो बालक के जो नैतिक विकास का तात्पर्य है वो है सामाजिक विकास से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तहीन, राजनैतिक। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहिर्मुखी जो है ये मनोवैज्ञानिक प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न की आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या उपयुक्त सभी। तो आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चिंतन के साधनों में एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण या सामान्यीकरण। अब इसमें पूछा कि चिंतन के साधनों में से कौन सा इसमें है, तो ये संकेत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालक में प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता या उपयुक्त सभी। तो बालक में जो प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 209 नंबर का प्रश्न है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है या कथन किसका है, स्काउट का, जैक्स का, रायबर्न का या रास का। तो ये कथन जो है स्काउट का है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सृजनात्मकता, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञास होता है या उपयुक्त सभी। तो सृजनात्मक बालक की जो विशेषता होती है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, उद्दोलन, जिज्ञासा या उपलब्धि प्रेरक। तो फ्रायड ने जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका उद्दोलन राइट आंसर हो जाएगा, जो आक्रामकता का कारण है।